हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में आर के एस एम ई के परिणाम को लेकर। 27/2/2024 को माननीय शिक्षा सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो वीसी हुई उसी के संबंध में और इसमें कई निर्देश दिए गए हैं, इसी को लेकर बात करेंगे। अपडेट्स के चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आर के एस एम ई आकलन 2 का परिणाम जारी कर दिया गया है और इसमें काफ़ी निम्न बिंदुओं पर विचार विमर्श भी किया गया है। तो हमें एक विद्यालय स्तर पर निम्न चीज़ों को यानी मेन पॉइंट जो बताए गए हैं, बिंदु बताए गए हैं, उनमें ध्यान रखना है। जिलेवार परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है और इसके लिए आगामी कार्य योजना भी निर्माणित की गई है। अतः इसमें निम्न जो पॉइंट्स दिए गए हैं और शिक्षक प्रधानाचार्य संस्था प्रधान स्तर पर करने योग्य कार्यों की लिस्ट भी दी गई है। तो आर के एस एम बी की आकलन थी से पूर्व दक्षताओं की लिस्ट दी जाएगी और क्लास में बोर्ड पर लिखवा कर बच्चों को डायरी में नोट करवाना है। इस परिणाम को लेकर समस्त शिक्षक और प्रधानाचार्यों के निर्देश दिए गए हैं। आज दिनांक को जारी आर के एस एम ई आकलन 2 के परिणाम घोषित होने के उपरांत शिक्षकों को आर के एस एम ई शिक्षक ऐप से आकलन के परिणाम को देखना है। संस्था प्रधान मीटिंग आयोजित करें और इसमें समस्त शिक्षक प्रधानाचार्य सी बी ओ सी डी ओ का रोल है। समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सभी अधीन अधिकारी और संस्था प्रधानों की मीटिंग लेवे। समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी ब्लॉक में मीटिंग ले। इसके साथ ही आर के एस एम बी के कार्यक्रम तथा दक्षता सुधार के लिए बोर्ड कक्षाओं पर अधिक प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु सभी कक्षाओं पर समान प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए सभी विद्यार्थी पर मेहनत की जाए, ये समस्त शिक्षक और प्रधानाचार्य का दायित्व है। आर के एस एम बी शिक्षक ऐप पर भी आकलन के परिणाम के संबंध में शिक्षक शाला संवाद पर अभिभावक इंगेजमेंट को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही मेगा पी टी एम मीटिंग भी होगी इस परिणाम को लेकर। इसको लेकर जो है मोबाइल में जो भी रिजल्ट है वो ओपन करके अभिभावकों को यानी पेरेंट्स को भी दिखाया जाए। टीचर्स इंगेजमेंट और पेरेंट्स इंगेजमेंट की रिपोर्ट सभी ऑफिस लॉगिन पर उपलब्ध है, सभी अधिकारी उसका निरीक्षण करें। इसके साथ ही संभाग स्तर पर उप निदेशक महात्मा गांधी जिला स्तर सी डी ओ अब से आर के एस एम ई कार्यक्रम के प्रभारी होंगे और इसके साथ ही सभी विद्यार्थियों को डायरी में आर के एस एम ई का रिजल्ट लिख कर भेजा जाए और इस कार्य के लिए थर्ड पार्टी असेसमेंट करवाया जाएगा इसका कार्य। इसके साथ ही प्रिंसिपल की ए सी आर में आर के एस एम ई की प्रगति रिपोर्ट भी लिखी जाए और इसके साथ ही इसकी पी टी एम के बारे में बात करें तो मार्च में होगी और इसकी तिथि आगामी 2 दिवस में घोषित कर दी जाएगी। यानी मेगा पी टी एम भी होगी जिसमें रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को दिए जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड पर अध्यापक पेरेंट्स के साइन करवा कर स्कूल में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाए। यदि किसी स्कूल में रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो सीधा चार्जशीट दी जाएगी। ये एक बड़ी अपडेट है, 11 पॉइंट नोटिस कर लें। समस्त संस्था प्रधान शिक्षक साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो स्कूल में रिकॉर्ड के रूप में जो है साइन करवा कर रिकॉर्ड रखना है, रिपोर्ट कार्ड को अध्यापक व पेरेंट्स के साइन होने चाहिए उस पर। यदि किसी स्कूल में ये रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो सीधे चार्जशीट दी जाएगी, स्पष्ट कहा गया है। इसके साथ ही निदेशालय ने पी एल सी सी एल पर गए शिक्षकों की सूचना 3 दिवस में करने की बात कही है। आर के एस एम ई के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के साथ ही शिविर पंचांग में भी इसको शामिल किया जाएगा, जिसमें जो अक्टूबर में प्रथम आर के एस एम ई के होगा, जनवरी में द्वितीय और अप्रैल में तृतीय आकलन होगा। इसके साथ ही प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को वर्कबुक के माध्यम से अभ्यास जो बच्चे को वर्कबुक दी गई उसमें करवाना सुनिश्चित करें। समस्त निरीक्षणकर्ता अपने अवलोकन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ एक ए सी बी ओ की चुनाव में 1 वर्ष से ड्यूटी की रिपोर्ट मंगा कर भी जांच करवाई जाए और साथ ही सी डी ओ सी बी ओ संयुक्त निदेशक निदेशक महात्मा गांधी के दायित्व निर्धारित किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है कि आर के एस एम बी के परिणाम को लेकर काफ़ी जो है चर्चा हुई है और वी सी में सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो रिपोर्ट कार्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, इसको में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाए, पेरेंट्स को भी दिए जाए, उस पर साइन करवा कर रखने हैं और नहीं मिलता है तो सीधे चार्जशीट देने की बात भी कही गई है। यानी कार्रवाई अमल में ली जाएगी और इसकी जो तिथि है आगामी 2 दिवस में घोषित कर दी जाएगी पेटीएम को लेकर। तो और इसके साथ ही परिणाम जारी कर दिया गया है तो शिक्षक साथियों के लिए जो ऐप है आर के एस एम बी उसमें जाके हम चेक कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके हमें रखना है और फिर पेरेंट्स मीटिंग में उनके साइन भी करवाने हैं पेरेंट्स के। ये आर के एस एम बी के परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट व जानकारी आप सभी के लिए। धन्यवाद।